जिला चंबा में कोरोना एक बार फिर से रफ्तार पकड़ता हुआ दिख रहा है। पिछले दो दिनों में जिला में कोरोना के 74 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया है। नए मामलों के सामने आने के बाद जिला प्रशासन द्वारा चंबा बाजार में एक बार फिर से सख्ती करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में बुधवार को SDM कार्यालय चंबा में चंबा व्यापार मंडल के सदस्यों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रशासन द्वारा सभी दुकानदारों को कोरोना प्रोटोकॉल के सभी नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए और यह भी कहा गया कि अगर इन नियमों का पालन नहीं होता है तो ऐसे में दुकानदारों और लोगों पर भी कार्यवाही की जाएगी। इस बारे जानकारी देते हुए कार्यकारी SDM सुनील कुमार ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में कोरोना के नए मामलों में इजाफा हुआ है, जिसे देखते हुए प्रशासन द्वारा कोरोना नियमों को कड़ाई से पालन करने को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि कोरोना की बढ़ रही रफ्तार को फिर से काबू में किया जाए। इस दौरान कार्यकारी SDM द्वारा प्रशासन द्वारा कोरोना को लेकर जारी नए निर्णयों बारे भी जानकारी दी। मंडल स्तर चंबा पे आज COVID-19 मैनेजमेंट से रिलेटेड जो न्यू गाइडलाइंस इशू हुई हैं, उसके मद्देनज़र एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिस मीटिंग का उद्देश्य ये था कि जैसा हम उपमंडल स्तर पर देख रहे हैं कि COVID-19 के मामले तो कम आए हैं, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल बिहेवियर्स को ठीक तरीके से जैसा होना चाहिए वैसा फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो हम उपमंडल स्तर पर ये जो मीटिंग की गई थी, ये व्यापार मंडल, रेस्टोरेंट होटल ओनर्स, पुलिस प्रशासन और जो हमारे मजिस्ट्रेट्स थे उनके साथ ये मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें ये दिशा निर्देश दिए गए कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको नहीं छोड़ना है। उसमें अभी फिलहाल हम सभी लोगों को इससे अपील करते हैं कि सभी लोग उपमंडल स्तर पर स्वयं जागरूक रहे हों और इसमें SOPs को ना छोड़ें। अगर आज के बाद हम क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि अब हम पुलिस और मजिस्ट्रेट की जो जॉइंट टीम है, जिसमें हमारी जो सर्विलेंस टीम्स जो हमारी टीचर्स की हैं, वो 3 से 5 शाम को बाज़ार में और शाम रात को भी सर्विलेंस करेगी, सभी लोगों को जागरूक भी करेगी, मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताएगी और ऑन द स्पॉट जो लोग SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ जो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत पीनल प्रोविजंस हैं उसके तहत चालान भी किया जाएगा। और साथ ही साथ अगर कोई हमें FIR देनी पड़ेगी या कोई शॉप्स क्लोज करनी पड़ेगी जो प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो पुलिस को ये हिदायत दी गई कि उसको एक्शन को अंजाम दें। मेन फोकस हमारा ये रहेगा कि जो हमारी पॉजिटिविटी रेट जो चंबा की है, अभी भी चंबा जिला की थोड़ी सी जैसी हम आशा करते हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, उसको हमें कम करना है ताकि हम अगली जो थर्ड वेव है, पहले तो वो वेव आए ना, ये हम कोशिश करेंगे, पर अगर फिर भी अगर आती है उसकी तैयारी से रिलेटेड हम अपनी जो उपमंडल स्तर पर जो तैयारी है उसको मुकम्मल कर सकें। ये दिशा निर्देश आज इस मीटिंग में दिए गए। सर, आपने कुछ कंटेनमेंट जोन भी बनाए हैं, तो सर कंटेनमेंट जोन किस तरह के बनाए गए हैं सर? क्या गांव बनाया गया या शहर, सर कहां कहां बनाए गए हैं? देखिए जी, कंटेनमेंट जोन्स का जो अभी हमारे केसेस नो डाउट कम आए हैं उपमंडल स्तर पर, बट फिर भी ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो हमारे ग्रामीण स्तरों में कुछ जगहों पर, जैसा कि हमारे BMO साहब और या हमारी जो मेडिकल टीम ऑब्जर्व करती है या हमारे प्रधान जो टास्क फोर्स हमारी पंचायत स्तर पे काम करती है वो ऑब्जर्व कर रही है, तो जहाँ पे एक साथ ही 5 या 5 से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं तो उस एरिया को हम कंटेनमेंट जोन विद इन द लिमिट, जो जिस एरिया में उसका जो प्रकोप है वो ज़्यादा है वहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। कुछ केसेस में हम पंचायत के सराउंडिंग्स को कर रहे हैं, कुछ केसेस में हम वार्ड को कर रहे हैं, तो वो हम सिचुएशन के हिसाब से कर रहे हैं। तो वो हमने दिशा निर्देश दिए हैं, वो हमने आज भी कल शाम को भी ग्राम पंचायत लेच में भी हमने कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया है, और जहाँ पे भी हमारी मेडिकल टीम हमें या हमारी ब्लॉक स्तर की टीम हमें बताती है कि केसेस की फ्रीक्वेंसी 5 या 5 से ज़्यादा है तो हम डिक्लेयर कर रहे हैं कंटेनमेंट जोन। सर, चंबा चौगान में शाम के समय काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है, लोग मास्क भी नहीं पहन रहे हैं, इसको लेकर अब प्रशासन की ओर से क्या कार्यप्रणाली रहेगी सर? चंबा चौगान में जैसा कि आपके माध्यम से भी और जनरली हमने भी ऑब्जर्व किया है कि कुछ दिनों से थोड़ा सा प्रोटोकॉल को फॉलो ना करने की वारदातें ज़्यादा देखी गई हैं,
तो उसके तहत आज की जो मीटिंग है उसमें पुलिस प्रशासन को भी हिदायत दी गई और जो भी मजिस्ट्रेट्स हैं, इवन स्वयं मैं स्वयं चंबा चौगान का दौरा करूंगा और हम जाके लोगों को पहले तो हम उनको अवेयर भी करेंगे मास्क के प्रति, सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति और क्या कहते हैं, साथ ही साथ अगर पीनल आवश्यकता हुई तो हम पीनल प्रोविजन के तहत चालान भी करेंगे। और मेरा लोगों से उपमंडल स्तर पर लोगों से अपील रहेगी, कृपया कोविड प्रोटोकॉल को ना छोड़ें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। जो सरकार ने रियायतें दी हैं वो रियायतें पूरी चल रही हैं, उन रियायतों के तहत हम किसी जगह इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन एसओपीज को ना छोड़ें। अगर आप एसओपीज को छोड़ते हैं तो हम दंडात्मक कार्रवाई डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में भी करेंगे और आईपीसी के तहत भी हम एक्शन लेंगे। हिमाचल प्रदेश और चंबा जिला से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए चंबा हलचल का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज और वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। देखते रहिए चंबा हलचल।